हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर में लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना है एयर सप्लाई सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, प्री एयर क्लीनर्स, प्री क्लीनर्स क्या होते हैं एंड ऑयल साथ एलिमेंट टाइप क्लीनर कौन क्या होते हैं एंड ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे इस लेक्चर के, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एयर सप्लाई एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एयर सप्लाई और एग्जॉस्ट सिस्टम होता क्या है, कंबसन रिक्वायर एयर फ्यूल एंड हीट, ठीक है। जब ईंधन जलता है तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तीन चीज़ हमारी, एयर फ्यूल और हीट। कहने का मतलब है कि ताप, हवा और ईंधन जब तक एक साथ नहीं उपलब्ध होगा सिलेंडर में, कम्बशन चेंबर में, तब तक कम्बसन नहीं होगा, ठीक है। सर्टेन रेशियो ऑफ ऑल थ्री आर नेसेसरी इफ एन इंजन इज टू ऑपरेट, ठीक है। यदि किसी इंजन को चलाना है तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। क्या क्या, हवा, ईंधन और ताप, ठीक है। एयर सप्लाई एंड एग्जॉस्ट सिस्टम डील्स विथ एयर एज इट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट कम्बशन इन द सिलेंडर ऑफ एन इंजन, ठीक है। एयर सप्लाई सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, एयर के साथ एयर का सपोर्ट, ठीक है, किसमें, कम्बशन के लिए, ठीक है, मतलब जलने के लिए, ठीक है। जो हमारा एयर सप्लाई सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम है वो हवा के बारे में बताता है क्या, कि वो सपोर्ट करता है ईंधन को जलने में, ठीक है। तो एयर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एयर सप्लाई सिस्टम, दिस सिस्टम अलाउ फ्रेश एयर टू इंटर्स इनटू द इंजन। यह सिस्टम क्या अलाउ करता है, फ्रेश एयर को इंट्री करता है इंजन में, ठीक है। एयर सप्लाई सिस्टम के माध्यम से ही जो हमारा एटमॉस्फेयर में फ्रेश एयर है, मतलब जो एयर है वो हमारे इंजन में जाता है, ठीक है। इट मेन पार्ट्स आर, इसमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, वो है एयर क्लीनर, ठीक है, सुपर चार्जर, तीसरा है इंटेक मैनिफोल्ड, इंटेक पोर्ट एंड लास्ट वन है इंटेक वाल्व, ठीक है। ये पांच पार्ट हैं जो एयर सप्लाई सिस्टम में मदद करते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम कोई भी पार्ट अगर हटा देते हैं तो क्या है, हमारा हवा जो है कम्बशन चेंबर तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये पांचों पार्ट को अभी हम और डीप में जानते हैं। तो सबसे पहले एयर क्लीनर क्या होता है, इट इज डिवाइस विच क्लीन्स एंड फिल्टर द एयर बिफोर इंटरिंग द कम्बशन चेंबर ऑफ एन इंजन, ठीक है। ये हवा को साफ करता है इंजन में इंट्री से पहले, जब इंजन में हवा पहुंचता है उससे पहले ही हमारा एयर क्लीनर जो है एयर को, मतलब हवा को साफ करता है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर्स बट द कॉमनली टाइप्स यूज्ड इन इंजन, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के एयर क्लीनर होते हैं लेकिन कुछ जरूरी जो, मतलब कुछ कॉमन टाइप के हैं वो इंजन में यूज होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है ऑयल साग एलिमेंट टाइप क्लीनर्स, सेकेंड वन है ड्राई एयर टाइप क्लीनर्स एंड थर्ड वन है वेट टाइप और ऑयल बाथ एयर क्लीनर्स, ठीक है। तो ये तीन क्लीनर्स जो है इंजन में यूज होते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं क्या प्री क्लीनर्स क्या होता है, व्हेन द इंजन इज रनिंग द एयर इज ड्रॉन थ्रू द प्री क्लीनर्स टू द इनलेट ट्यूब ऑफ द मेन क्लीनर्स, ठीक है। हेयर लार्ज डस्ट पार्टिकल आर रिमूव फ्रॉम द एयर स्ट्रीम दस रिड्यूसिंग मच ऑफ द लोड ऑन द मेन क्लीनर्स, ठीक है। तो प्री क्लीनर्स हमारा क्या करता है, जब एटमॉस्फेयर से हमारा फ्रेश एयर जो है कहाँ आता है, सबसे पहले वो प्री क्लीनर्स में आता है। जो तो हवा में जो बड़े वाले मिट्टी के कण रहते हैं वो प्री क्लीनर्स में ही साफ हो जाते हैं, तब वो प्री क्लीनर जो है मेन क्लीनर को हवा भेजता है साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ठीक है। जिससे कि हमारा मेन क्लीनर पे बहुत लोड थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एटमॉस्फेयर से, मतलब कि हमारे वायुमंडल से डायरेक्ट जो है मेन क्लीनर में हवा गई, ठीक है, उसमें बड़े बड़े मिट्टी के कण होंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा मेन क्लीनर है
वो बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी जाम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है ऑयल सॉक्ड टाइप एलिमेंट, ऑयल सॉक्ड एलिमेंट टाइप क्लीनर्स, ठीक है। तो सब एयर क्लीनर में सबसे पहला क्या है, ऑयल सॉक्ड एलिमेंट टाइप क्लीनर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर मेश और नाइनोल वायर सॉक्ड विथ ऑयल टू कैच द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर विच आर मेड टू पास थ्रू इट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर मेश, ठीक है, और नाइनोल वायर सॉक्ड विथ ऑयल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर मेश, ठीक है, ये हमारा मेश है, वायर का जाल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये पूरा तेल से भिगोया गया है, ठीक है। सॉग मीन्स तेल में डूबा हुआ है, मतलब भिगोया गया है, गीला है बिल्कुल तेल से। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा हवा यहाँ से एंट्री करेगा, ठीक है, तो जो इसमें मिट्टी के कण हैं वो इस जो हमारा जाल लगा है कॉपर का या नाइनोल का, उसमें मिट्टी के कण जो है रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, एयर को क्लीन करता है। दिस टाइप ऑफ क्लीनर गेट्स क्लॉग विथ डस्ट क्विकली, इस प्रकार के क्लीनर क्या है, बहुत जल्दी ही क्लॉग्ड हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, कहने का मतलब कि दस सीरियसली अफेक्टिंग द एयर फ्लो थ्रू इट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसमें से हवा छनने में, ठीक है, हवा को फिल्टर करने में। इट इज ऑल्सो इनफिशियंट इन रिमूविंग द फाइन पार्टिकल ऑफ द डस्ट फ्रॉम द एयर, यह इनइफिशियंट भी है, किस चीज़ में, जो मिट्टी के छोटे वाले कण होते हैं उसको ये नहीं रोक पाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हवा के साथ जो हमारे मिट्टी के छोटे कण हैं वो भी हमारे कंबसन चेंजर चैम्बर में चले जाते हैं, ठीक है, इंजन के सिलेंडर में चले जाते हैं। जो हमारा सेकेंड वन है, वेट टाइप आर ऑयल बाथ एयर क्लीनर्स, ठीक है, वो कैसा होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर एलिमेंट सैचुरेटेड विथ ऑयल, ठीक है, इसमें एक फिल्टर एलिमेंट लगा रहता है और जो ऑयल से भरा रहता है। एट द बॉटम देयर इज अ सेपरेट ऑयल पैन, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ऑयल का पैन है, कहने का मतलब कि एक स्पेस है जहाँ पे तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। द ऑपरेशन ऑफ एयर क्लीनिंग कैरीड आउट इन टू स्टेज, ठीक है, जो हमारा एयर क्लीन करने का प्रोसेस है वो दो स्टेज में होता है, दो अवस्था में होता है। इन द फर्स्ट स्टेज, पहले अवस्था में क्या होता है, द एयर स्ट्राइक ऑन द ऑयल सरफेस एंड देन रिवर्स अपवर्ड इनटू द फिल्टर एलिमेंट, ठीक है, पहले स्टेज में हमारा हवा जो है कहाँ से आता है, यहाँ से, कहाँ पे आता है, ऑयल सरफेस पे, जो हमारा यहाँ पे तेल भरा हुआ है उस सरफेस पे, उस सतह पे आता है। द डस्ट पार्टिकल अप्लाई टू द ऑयल सरफेस एंड एब्जॉर्ब बाई इट, ठीक है, कहने का मतलब जब हमारा हवा यहाँ से ऑयल सरफेस पे आया, ठीक, ऑयली सतह पे आया, तो जो डस्ट के पार्टिकल, मिट्टी के जो कण हैं, वो ऑयल हमारा क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है यहीं पे, ठीक है। उसके बाद जो हवा है वो रिवर्स होके ऑयल में होने के बाद रिवर्स होके फिल्टर एलिमेंट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसमें फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण रहेंगे, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज द पार्शली क्लीन एयर पास थ्रू द फिल्टर एलिमेंट इन विच द रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल आर रिटेन्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि यहीं जब, जैसे कि हम बताए, सेकेंड स्टेज में यही होता है कि जब ऑयल सरफेस से होके, ऑयली सतह से होके जब हमारा हवा ऊपर जाता है, तो जो पहले से ही कुछ क्लीन था, मतलब साफ था हवा, वो यहाँ पे आके पूरी तरह से साफ होके तब कंबसन चेंजर चैम्बर में जाता है, ठीक है। फाइनली द क्लीन एयर पास टू द कार्बोरेटर, अंत में जब एयर, हवा मतलब करने का मतलब है कि अच्छे से क्लीन हो जाता है, तब वो कार्बोरेटर को पास किया जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन दिस टाइप ऑफ एयर क्लीनर इज क्लीन्ड पीरियोडिकली, ठीक है, जितना हम इंजन को चला रहे हैं उसके अनुसार हमें इस टाइप के क्लीनर को क्या करना होता है, क्लीन करना पड़ता है समय समय पर, ठीक है। द फिल्टर इज रिमूव्ड एंड क्लीन केयरफुल्ली इन पेट्रोल,
जो हमारा फिल्टर एलिमेंट है उसको भी बाहर निकाल के सावधानी पूर्वक पेट्रोल में साफ किया जाता है। द ऑयल इन द क्लीनर्स इज आल्सो रिप्लेस्ड, जो क्लीनर्स में ये जो हमारा ये ऑयल है इसको भी समय समय पर बदल देना चाहिए, ठीक है। जो हमारा थर्ड वन है ड्राई एयर टाइप क्लीनर्स, वो क्या है, दिस टाइप ऑफ एयर क्लीनर्स कंटेन थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है। इस प्रकार के एयर क्लीनर में तीन मुख्य पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, प्री क्लीनर्स, ठीक है, मेन हाउसिंग एंड क्लीनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये तीन पार्ट जो हैं इस क्लीनर के वो मेन हैं, ठीक है। देयर आर सील्ड इनटू वन यूनिट, ये जो तीनों पार्ट हैं प्री क्लीनर्स मेन हाउसिंग एंड क्लीनिंग एलिमेंट्स, ये एक में जुड़े रहते हैं, ठीक है। द मेन हाउसिंग कंटेन्स द क्लीनिंग एलिमेंट्स यूजली ऑफ मल्टी वायर नेटिंग बट सम आर मेड ऑफ नाइलॉन वायर आर पेपर, ठीक है। द मेन हाउसिंग, जो हमारा मेन हाउसिंग है वो क्या करता है, उसी में मतलब हमारा क्लीनिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कि वायर का बना रहता है, या तो नाइलॉन का, नाइलॉन के वायर का, या तो मल्टी वायर का, ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया नेटिंग फार्म में, ये हमारा वायर का हो गया, नाइलॉन का हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या बना रहता है, ये क्लीनर बना रहता है, ठीक है। तो इस जाली में से हो के जब हमारा वायर, या ये पेपर का भी रह सकता है, तो इसमें से हो के जब हमारा जाता है तो हवा क्या होता है, क्लीन होता है, ठीक है। द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इंटर्स इनटू द प्री क्लीनर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो हमारा पर्यावरण से हवा जो है, वायुमंडल से हवा सबसे पहले प्री क्लीनर्स में जाता है, पासेस थ्रू द क्लीनिंग एलिमेंट एंड गोज टू द इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। सबसे पहले प्री क्लीनर्स में हवा जाएगा, वो पास करेगा किसमें, क्लीनिंग एलिमेंट में, जिसमें ये सब वायर मेस बने रहते हैं, ठीक है। ये क्लीन करके इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता है, ठीक है। जो हमारा एयर सप्लाई सिस्टम का सेकेंड पार्ट था वो था सुपर चार्जर, ठीक है। सबसे पहले एयर क्लीनर आता है, फिर सुपर चार्जर। अ सुपर चार्जर इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर इनटू द इंजन सो दैट मोर फ्यूल कैन बी बर्न एंड द इंजन आउटपुट इंक्रीज्ड, ठीक है। सुपर चार्जर क्या करता है कि जो हवा का प्रेशर है उसको बढ़ाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जो है कि जो मतलब कंबशन चेंजर में हमारा फ्यूल आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो सके, ठीक है। मतलब कि जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो फ्यूल उसमें जितना आ रहा है वो सारे फ्यूल, मतलब जो ईंधन है, जो पेट्रोल या डीजल कोई भी ईंधन उसमें आ रहा है, तो वो सब जल सके, ठीक है। इसलिए ये सुपर चार्जर क्या करता है, हवा के प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे इंजन का आउटपुट अच्छा मिलता है, ठीक है। इंजन का आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। दीज में बेल ड्राइव बाय द इंजन इटसेल्फ, या इंजन के स्वयं के पावर से चलता है, या फ्रॉम अ सेपरेटर पावर सोर्स सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। या तो अलग से इसके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाया जाता है, ठीक है। जो एयर सप्लाई सिस्टम का थर्ड पार्ट था वो क्या था, इंटेक मैनिफोल्ड। एंड इंटेक मैनिफोल्ड को ही हम क्या बोल सकते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। एंड इनलेट मैनिफोल्ड आर इंटेक मैनिफोल्ड इज द पार्ट ऑफ एन इंजन डैट सप्लाई द फ्यूल, या तो एयर फ्यूल मिक्सचर टू द सिलेंडर। इंटेक मैनिफोल्ड क्या करता है, हवा को, या तो हवा और ईंधन के मिश्रण को सिलेंडर तक पहुंचाता है, ठीक है। इट इज आल्सो हेल्प कूल डाउन द सिलेंडर टू प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग, और यह क्या करता है, इंजन को भी ठंडा करने में मदद करता है। द इनलेट मैनिफोल्ड आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। ये किस धातु का बना रहता है, कास्ट आयरन का, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम एलाऊ का। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो क्या है, इनटेक पोर्ट, ठीक है। पहले सबसे पहले हवा आया किससे, एयर क्लीनर से, फिर उसमें सुपर चार्जर यूज हुआ, ठीक है। वो क्या किया, हवा के प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है। फिर इंटेक मैनिफोल्ड ने क्या किया कि हवा जो क्लीन होके आया था, जिसका प्रेशर बढ़ गया, उसे क्या हुआ,
उसे सिलेंडर तक पहुंचा। अब हमारा देखो इंटेक पोर्ट क्या होता है, इंटेक पोर्ट आर द फाइनल पार्ट ऑफ एन इंजन एयर सप्लाई सिस्टम। इंटेक पोर्ट क्या है, फाइनल पार्ट है एयर सप्लाई सिस्टम का, ठीक है। दे कनेक्ट द इंटेक मैनिफोल्ड, ये क्या करता है, इंटेक मैनिफोल्ड को कनेक्ट करता है किससे, कंबसन चेंजर चैम्बर से, ठीक है। दे कनेक्ट द इंटेक मैनिफोल्ड विद द कंबसन चेंजर चैम्बर एंड आर ओपन एंड क्लोज विद द इंटेक वाल्व। और ये जो हमारा इंटेक पोर्ट है कब खुलेगा बंद होगा, इंटेक वाल्व के साथ खुलता है और बंद होता है। और लास्ट वन क्या है, इंटेक वाल्व, ठीक है। इट इज ओपन एट द प्रॉपर मोमेंट इन द साइकिल टू अलाउ द एयर फ्यूल मिक्सचर इन टू द सिलेंडर। यह खुलता है इंजन के साइकिल के साथ। इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला हमारा था सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। दूसरा क्या था, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा था पावर स्ट्रोक और चौथा था एग्जस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक होते हैं। तो जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है उस टाइम क्या होता है, ये जो हमारा इनलेट इंटेक वाल्व है वो खुलता है, ठीक है। सॉरी, जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें इंटेक वाल्व खुलता है और फ्यूल हमारे कंबसन चेंबर में आता है और बर्न होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटेक वाल्व क्या है, प्रॉपर मोमेंट इन द साइकिल टू अलाउ द एयर फ्यूल मिक्सचर इन टू द सिलेंडर, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके मतलब सही तरीके से खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक है, जब इंजन में फ्यूल की मात्रा या एयर फ्यूल का मिक्सचर की जरूरत होती है, ठीक है। अब हमारा एग्जस्ट सिस्टम क्या होता है, द एग्जस्ट सिस्टम कलेक्ट एग्जस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन एंड एक्सपेल देम आउट, ठीक है। एग्जस्ट सिस्टम क्या है, एग्जस्ट सिस्टम में जो हमारे ईंधन बर्न होने के बाद मतलब जलने के बाद जो उसमें गैसेस रहती है सिलेंडर में, उसे इकट्ठा करता है और सिलेंडर से बाहर निकालता है, ठीक है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एग्जस्ट वाल्व, एग्जस्ट मैनिफोल्ड एंड थर्ड वन है टर्बो चार्जर एंड लास्ट वन है मफलर, ठीक है। ये चार पार्ट एग्जस्ट सिस्टम में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, एग्जस्ट वाल्व। एंड एग्जस्ट वाल्व इज अ वाल्व दैट रिलीज बर्न गैसेस फ्रॉम सिलेंडर। एग्जस्ट वाल्व क्या करता है, जो बर्न गैसेस रहता है मतलब ईंधन जलने के बाद जो गैसेस रहता है उसे सिलेंडर से बाहर निकालता है। और सेकेंड वन है एग्जस्ट मैनिफोल्ड कलेक्ट एग्जस्ट गैसेस फ्रॉम द एग्जस्ट वाल्व, ठीक है। एग्जस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है एग्जस्ट गैसेस को फ्रॉम द एग्जस्ट वाल्व से, ठीक है। एग्जस्ट वाल्व से एग्जस्ट गैसेस को कलेक्ट करता है हमारा एग्जस्ट मैनिफोल्ड। अब वेरियस सिलेंडर, जैसे कि फोर स्ट्रोक साइकिल में फोर सिलेंडर होता है या टू सिलेंडर में फोर स्ट्रोक इंजन होता है, तो कहने का मतलब कि दो या चार सिलेंडर है इंजन में, तो वो सारे सिलेंडर से एग्जस्ट गैसेस को कलेक्ट करता है हमारा एग्जस्ट मैनिफोल्ड एंड डिलीवर इट टू द टर्बो चार्जर। और इसे कहाँ देता है, टर्बो चार्जर को। इट इज यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन, यह किस धातु का बना रहता है, कास्ट आयरन का, ठीक है, टर्बो चार्जर। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है एग्जस्ट सिस्टम का वो है टर्बो चार्जर। इट इज अ टर्बो कंप्रेसर ड्राइवन बाय द एग्जस्ट गैसेस, ठीक है। पहले हम पढ़े थे इससे जस्ट पहले सुपर चार्जर क्या है कि इंजन के पावर से ही चलता है, और हाँ जो टर्बो चार्जर है वो किससे चलता है, एग्जस्ट गैसेस से, ठीक है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में और आपके एग्जाम में आता रहा है कि टर्बो चार्जर किसके पावर से चलता है, तो ऑप्शन रहेगा कि इंजन के पावर से या एक सेपरेट मोटर्स लगा रहता है या दोनों से चलता है, तो आप क्या करेंगे कि कंफ्यूज रहेंगे तो कुछ भी लगा देंगे। लेकिन ये याद रखना है, जो हमारा सुपर चार्जर है वो इंजन के पावर से चलता है और जो टर्बो चार्जर है वो एग्जस्ट गैसेस के चलता है, ठीक है। इट इज टर्बो कंप्रेसर ड्राइवन बाय द एग्जस्ट गैसेस ऑफ द इंजन टू सप्लाई एयर अंडर प्रेशर टू द सिलेंडर ऑफ द इंजन। क्या करता है, ये इंजन के सिलेंडर को
हवा जो है वो उसका प्रेशर बढ़ा के प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो हमारा लास्ट पार्ट है एग्जॉस्ट सप्लाई सिस्टम का, वो क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, मफलर। द मफलर रिड्यूस द नॉइज ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द यूज्ड गैसेज बाय स्लो एक्सपेंशन एंड कूलिंग। ये क्या करता है, रिड्यूस द नॉइज। ये जो हमारी ईंधन जब सिलेंडर में बर्न हो जाती है तो वो बाहर निकलती है, तो उस टाइम उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो बहुत गर्म भी रहती है, तो क्या करता है उसे तो पहले ठंडा करता है और उसे फैलाता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसे फैलाता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे इंजन से बाहर निकालता है, कहने का मतलब, ठीक है। और ये जो उसकी ध्वनि है उसको भी कम करता है। द मफलर कंटेन्स अ नंबर ऑफ चैम्बर्स थ्रू विच द गैस फ्लो, ठीक है। द मफलर कंटेन्स अ नंबर ऑफ चैम्बर्स, मफलर में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिसके माध्यम से गैसेज जो हमारी है एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम द फर्स्ट पासेज इनटू मच लार्जर सेकेंड वन, ठीक है। जो गैस है वो सबसे पहले, देखिए ये हमारा एग्जॉस्ट गैसेस इन हुआ, ठीक है, वो सबसे पहले पहले चैम्बर में आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स होके दूसरे चैम्बर में आया, तो क्या कर रहा है, ये एग्जॉस्ट गैसेस को एक्सपेंड कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। फिर क्या है, एंड देन टू स्टिल लार्जर थर्ड वन एंड सो ऑन टू द फाइनल एंड लार्जेस्ट पासेस विच इज कनेक्टेड टू द टेल, या उसे आउटलेट बोलते हैं, ठीक है, आउटलेट पाइप ऑफ मफलर, ठीक है ना। कहने का मतलब कि मफलर में कई स्टेज होते हैं, सबसे पहले हमारा एग्जॉस्ट गैसेस इन हुआ, ठीक है, पहले चैम्बर में, फिर वो रिवर्स होके दूसरे चैम्बर से आया और तीसरे में गया, लास्ट में ये बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, इतना देर में जब ये हमारी एग्जॉस्ट गैसेस फैल के मतलब एक्सपेंड होके धीरे धीरे और ठंडा होके जब बाहर निकलती हैं, तो क्या होता है इससे, इससे हमारा जो है कि ध्वनि कम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो उसमें हीट भी ज़्यादा रहती है, जब बर्न होता है तो हीट भी ज़्यादा रहता है, तो जब टाइम बढ़ेगा बाहर निकलने में, एग्जॉस्ट गैसेस हमारा जो साइलेंसर होता है उसमें जब धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा ज़्यादा टाइम में, तो उतने देर में वो ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो मफलर का हमारा ये काम है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जो हमारा इनलेट सिस्टम है और एग्जॉस्ट सिस्टम है, एयर सप्लाई सिस्टम है और एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसे सही तरीके से ध्यान कैसे रखते हैं। द इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड शुड बी चेक्ड फॉर एयर लीक्स एंड द नट्स एंड कनेक्शन टाइट एंड रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। द इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड शुड बी चेक्ड, ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए। फॉर एयर लीक, किसके लिए, कि हवा तो नहीं ना लीक हो रही है, एंड द नट्स एंड कनेक्शन टाइट एट रेगुलर इंटरवल, और जो उसमें नट बोल्ट लगे रहते हैं उसको भी समय समय पे देखना चाहिए कि वो सही से टाइट हैं कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो हवा है वो लीक करने लगेगा, ठीक है। जो सेकेंड है वो क्या है, अ क्लॉग मफलर एग्जॉस्ट पाइप आर टेल पाइप विल कॉज अ बैक प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड अ लॉस ऑफ पावर। जो हमारा मफलर, जब हमारा मफलर जो है कि बंद हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रेशर को रिवर्स मतलब उल्टी दिशा में भेजता है, कहाँ, पिस्टन में, ठीक है, सिलेंडर में भेजता है, जिससे कि हमारा पावर का लॉस होता है। तो देयरफॉर इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी टाइम ड्यूरिंग सर्विस। यहाँ पे ये जरूरी है कि जब हम सर्विसिंग करवाते हैं तो क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, मफलर को साफ करना चाहिए। सम टाइम द इंजन ओवर हीट ड्यू टू एक्सेसिव कार्बन डिपॉजिट। और कभी कभी तो हमारा इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में कार्बन जो है एकत्रित हो जाता है, कहाँ, मफलर में हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
अगले लेक्चर में जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसको कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।